पुराने दौर की अगर कोई सबसे ज्यादा टैलेंटेड और दिलनशी अभिनेत्री हैं, तो वो है तनुजा, जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट जमाने से लेकर रंगीन जमाने तक की कई फिल्मों में अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेर कर दर्शकों को अपना दीवाना बनाया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि खूबसूरत अभिनेत्री तनुजा ने सिर्फ दर्शकों को अपना दीवाना नहीं बनाया, बल्कि अपने अब तक के करियर में करोड़ों की दौलत शोहरत भी हासिल की है, जिनकी इसी दौलत शोहरत की कहानी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। पर उससे पहले इस खूबसूरत और गॉर्जियस अभिनेत्री के लिए आप हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री तनुजा का जन्म 23 सितंबर 1943 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई मुंबई के स्कूल कॉलेज से ही पूरी की है। लेकिन अगर बात करें इनके एक्टिंग करियर की, तो आपको बता दें कि इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1950 में आई फिल्म हमारी बेटी से की थी, जिसमें ये अपनी बड़ी बहन नूतन के साथ नजर आई थी, जिसके बाद ये हमें फिर से अपनी बहन के साथ ही साल 1960 की फिल्म छबीली में दिखाई दी, जिसके बाद इन्होंने एक एडल्ट हीरोइन के तौर पर साल 1961 की फिल्म हमारी याद आएगी में कदम रखा, जिसने इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहचान दिलाई, जिसके बाद मानो इनके करियर की रेलगाड़ी कभी रुकी ही नहीं, क्योंकि इस फिल्म के बाद तो ये हमें बहारें फिर भी आएंगी, पैसा या प्यार और इज्जत जैसी कई सारी फिल्मों में नजर आईं। जी हां, आपको बता दें कि अब तक तनुजा लगभग 80 से ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, जिनके जरिए ये लगभग 100 करोड़ रुपए कमा चुकी हैं। आपको बता दें कि अपनी इसी करोड़ों की दौलत की बदौलत इनका मुंबई के नवी इलाके में 7 करोड़ का बंगला है, जो कि पूरा ही व्हाइट कलर से पेंटेड है, जिसमें कई सारे खूबसूरत रंगों के रंगे हुए कमरे हैं, जिन्हें इन्होंने इटालियन इंटीरियर से डिजाइन करवाया है। वहीं इनके शानदार बंगले में एक लग्जूरियस हॉल भी है, जिसमें बड़े बड़े सोफा सेट, कुर्सियां और दो तीन शानदार खूबसूरत झूमर हैं, जो इनके हॉल को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। वहीं बात करें इनके बालकनी की, तो वो इतनी बड़ी है कि पूरा परिवार वहां पर आराम से बैठ सकता है। जी हाँ, इनकी बालकनी में बड़ा सा सोफा सेट, 3-4 कुर्सियाँ और खूब सारी चमचमाती हुई लाइट्स भी लगी हुई हैं, जिससे इनका घर स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर नजर आता है। वहीं इनके घर में रेंज रोवर, ऑडी Q7, मर्सिडीज बेंज, ऐसी कई हाई फाई और क्लासिक गाड़ियाँ भी हैं। वहीं घर के साथ साथ ये अपने ऊपर भी लाखों करोड़ रुपए उड़ाती हैं। तभी तो इनकी एक डिजाइनर साड़ी की कीमत लगभग 50 से 60 हजार होती है, और इनकी रेगुलर ज्वेलरी जैसे कि मोतियों की माला और इयररिंग की बात की जाए, तो वो भी आराम से 1 से 1.5 लाख की होती है। साथ ही इनके ब्रांडेड सैंडल, परफ्यूम और पर्स की कीमत लगभग 1 से 2 लाख की होती है। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने साल 1973 में आई फिल्म डायरेक्टर शोमू मुखर्जी से शादी की थी, जिनका साल 2008 में निधन हो गया था, जिसके बाद से ही अपने बेटियों के साथ रह रही हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता था कि तनुजा कितनी दौलत शोहरत की मालकिन होंगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।